नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त ग्राउंड रिपोर्टर का है और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां देश में बेरोजगारी से लड़ने में उत्तर प्रदेश नंबर एक है और सीएम योगी की सख्ती के बाद निवेशकों का यहां पे भरोसा जो है, विश्वास जो है वो बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाने पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। केंद्र की योजनाओं को भी जोड़ने में अहम भूमिका रही है और बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में आधे से भी कम है। तो अगस्त महीने में देश में बेरोजगारी 8.3% थी जबकि उत्तर प्रदेश में 3.9%। छोटी कंपनियों से रोजगार को बड़ा सहारा मिला और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 111 कैरियर सेंटर संचालित हैं जबकि यूपी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ई श्रम पोर्टल पे 8.2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 6.3 करोड़ एमएसएमई कंपनियों में 90 लाख यूपी में और राष्ट्रीय औसत से अधिक मनरेगा में रोजगार मिला है। तो बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश धरातल पे उतारा गया, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हुए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये आंकड़े जारी किए हैं जो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश धरातल पे उतरा है और कई बदलाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर लगातार कई कदम भी यहां पे उठाए गए। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो देश में बेरोजगारी से लड़ने में यूपी नंबर वन है। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अब एक और रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम। बिल्कुल, पिछले अगर 2 सालों की बात करें, कोविड के समय में देखा गया था कि तमाम प्रदेश थे वो एक तरफ बेरोजगारी से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ जो कोविड से जूझ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने आज जो प्रबंधन का तरीका अपनाया था कहीं ना कहीं वो आज कारगर साबित हो रहा और हालात ये हो गए हैं कि जो बेरोजगारी दर है, अगर केंद्रीय बेरोजगारी दर से उसकी तुलना करें तो बेहद कम है। केंद्रीय बेरोजगारी दर का जो आंकड़े आए हैं वो 8.9 है, 8.3 है, वहीं यूपी की बेरोजगारी दर जो है वो 3.9 है। निश्चित तौर पर ये काफ़ी आंकड़े जो हैं चौंकाने वाले बाकी प्रदेशों के लिए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आखिर ऐसा क्या किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी दर में घटाउतरी हुई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा कि कोविड के समय से पिछले 2 सालों से बेरोजगारी दर धीरे धीरे प्रदेशों की बढ़ रही, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेशों पर हो, क्योंकि तमाम कंपनियां थी वो घाटे में चली गई, तमाम छोटी कंपनियां थे बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कौन सा नायाब तरीका अपनाया कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि वो घट रही। समझिएगा, एमएसएमई जो योजना है, एमएसएमई विभाग है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने काफी काम किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के काफी काम किया गया। निश्चित तौर पर यह एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आज उतना ज्यादा असर नहीं इतना 5-7 साल पहले हुआ करता था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट को लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए, छोटे छोटे जो कंपनीज थी उनको, उनके लिए लोन की सुविधा दी और लोन सीधे तौर पर यह ना कि बैंकों से था बल्कि गवर्नमेंट से इसको कंप्लीट किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से लोन के लिए अतिरिक्त जो है विभाग लगाया गया, अतिरिक्त लोग लगाए गए कि जल्द से जल्द कंपनियों को रोजगार लोन दिया जा सके जिससे रोजगार मिल सके। निश्चित तौर पर पिछले अगर बात करें 5-7 सालों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल बना है कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट, यूपी के अंदर लोग जब निवेश करने के लिए आते थे तब 3 चीजों पर ध्यान देते थे। पहली थी सुरक्षा, सड़क और बिजली। इन तीनों के ना होने पर कहीं ना कहीं जो बाहरी लोग थे वो यहाँ पर निवेश नहीं करते थे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि सुरक्षा को लेकर, यानी कानून व्यवस्था को लेकर के किस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की और जहां बीहड़ इलाके थे, मान लीजिए बुंदेलखंड का इलाका था जहां पर यह था कि आप वहां जा नहीं सकते, दिनदहाड़े आपके साथ लूट हो जाती, आज वो इलाके बिल्कुल सुकून और चैन से रह रहे। निश्चित तौर पर उस इलाके में भी अब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं। साथ ही साथ सड़क को लेकर काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय आज जाल बिछा हुआ सड़कों को, 5 बड़े एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इसके अलावा बात करें जो और कनेक्टिंग मार्ग होते हैं उनको लेकर के भी काम लगातार चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है जो ये एक्सप्रेस वे बने इनके किनारों पर लगाई जा रही है, निश्चित तौर पर जिससे रोजगार लगातार बढ़ रहा है। साथ साथ अगर बात करें बिजली को लेकर के, बिजली उत्पादन को लेकर के लगातार काम किया गया, यहां तक स्थिति बीच में आ गई थी
यूपी गवर्नमेंट जो थी अपनी बिजली दूसरे राज्यों को सप्लाई कर रही थी। निश्चित तौर पर ये तीन बड़ी उपलब्धियां थी जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार जो है वो अब दिखाई दे रहा है। सुरक्षा, सुशासन और जो कनेक्टिविटी है उस पर सरकार का खासा फोकस रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर वन यहां भी दिखाई दे रहा है। अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश अपने नाम कई इतिहास रच रहा है, कई रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां निकाय चुनाव को लेकर मैदान में है भारतीय जनता पार्टी और आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। यानी प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी तैयार करेंगे रोड मैप और आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक लेंगे। तो आगरा में ब्रिज क्षेत्र की बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री शामिल होंगे और कल वाराणसी में काशी क्षेत्र की बैठक में वो शामिल होंगे। अब लगातार चूंकि निकाय चुनाव को लेकर मंथन शुरू हो रहा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 9 तारीख को लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे, 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक धर्मपाल लेंगे। तो 9 सितंबर को गोरखपुर में पूर्वांचल क्षेत्र की बैठक होगी और इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अब निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा ने अब निकाय चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं कमर कस ली है और संगठन और सरकार के जो लोग हैं लगातार दौरे कर रहे हैं। संगठन एक और जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खानी पड़ी। तमाम सीटें थी, सहारनपुर, मुरादाबाद, तमाम सीटें थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं सीटों पर है क्योंकि अब सेमीफाइनल के रूप में निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज जो संगठन महामंत्री हैं उनकी बैठकों का दौर शुरू होगा। आगरा ब्रज क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, उसकी बैठक लेंगे, पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर संगठन महामंत्री की बात करें, दोनों नवनियुक्त हैं इस समय और अभी उनका उतना संगठन पे पकड़ नहीं जितनी पिछले लोगों की थी। निश्चित तौर पर पहले तो संगठन के साथ समन्वय बैठाना, उसके बाद उसमें पकड़ बैठा करना, पैठ अपनी करना और साथ ही साथ आगामी क्या कार्यक्रम हो इनको लेकर के रूपरेखा क्या तैयार करना, इन तमाम चीजों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चाहे वो संगठन महामंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, और दोनों लोग इसमें दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है तो कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2024 जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल का रन जो है इसे अब से 4 से 5 महीने बाद होना है तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों की भी परीक्षा होगी, चाहे संगठन महामंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, भाजपा के दोनों का कहीं ना कहीं एक तरीके से परीक्षा होने वाली है कि आखिर उनमें कितना दम है क्योंकि पिछले, अगर बात करें पिछले लंबे समय से संगठन महामंत्री के रूप में सुनील बंसल काम कर रहे थे, 2014 से लेकर के 2022 तक का उनका कार्यकाल रहा और इस दौरान बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पाई, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था। अब जो अपन संगठन महामंत्री के रूप में धर्मपाल सिंह है तो देखना होगा कि इनमें कितना दम है, कहीं ना कहीं संगठन को किस तरह से चलाते हैं, संगठन में किस तरह से अपने पैठ बनाते हैं और संगठन को किस तरह से रन करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, सबसे मजबूत कड़ी है। यह नायाब तरीका कहीं ना कहीं सुनील बंसल का था कि बूथ लेवल की राजनीति की जाए, पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल शक्ति केंद्र बनाए गए और वहां की राजनीति की गई और इसका फायदा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतते गई। एक बार फिर मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं इसी काम में लग गए हैं कि किसी ना किसी तरीके से 2024 से ठीक पहले जो निकाय चुनाव होना है उसमें सभी जो नगर निगम की सीटें हैं उन पर परचम लहराया जाए, सभी नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन पर परचम लहराया जाए, साथ ही साथ छोटे जो स्तर के चुनाव होना, चाहे पार्षद के हों और या फिर वो सभासद के हों, उनमें भी अपनी किस्मत आजमाई जाए और अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए जिससे 2024 में क्या कुछ होने वाला उसका अभी से लग जाए। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने निकाय चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हो रही है, बैठकों का दौर शुरू होगा, मंथन किया जा रहा है और अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं यहाँ पे और महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि साप्ताहिक कार्यक्रम, महंत अवैधनाथ की भी पुण्यतिथि है और श्रीराम कथा का भी वो शुभारंभ करेंगे तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। दो दिन का उनका ये महत्वपूर्ण दौरा है, कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, समीक्षा भी करेंगे, विकास कार्यों को लेकर मंथन भी करेंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की जमीनी हकीकत क्या है उसे जान रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ और अभी कितना करना बाकी है। खुद उनकी नजर हर बड़े प्रोजेक्ट पे रही है तो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इन दो दिनों में कई कार्यक्रम हैं। दोपहर बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे। और आज से दो दिवसीय हिसार दौरे पे सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह जिला है हिसार। मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन लॉन्च करेंगे वो और परिवारवाद मित्रवाद को खत्म करने की भी शुरुआत करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यहां पे रहेंगे और यहां पे आज से चूंकि उनका दो दिन का ये दौरा है और हिसार में हुंकार वो भरेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली के सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और आम आदमी पार्टी चूंकि लगातार अब एक्टिव है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह जिला है हिसार और मेक इंडिया नंबर वन कैंपेन लॉन्च करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। परिवारवाद मित्रवाद को खत्म करने की भी वो शुरुआत करेंगे। तो आज से दो दिन का हिसार दौरा है और अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। और खबर नोएडा से है जहां प्राधिकरण की याचिका खारिज की गई है और यहां पे 100 करोड़ रुपए देने होंगे। सिंचाई नाले की सफाई नहीं होने पे एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया है। यमुना तक जाने वाले 21 किलोमीटर लंबी सिंचाई नाले का यह मामला है और एनजीटी ने कहा कि इस नाले की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर भी 50 करोड़ का जुर्माना लगाया था और 1 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 1 नवंबर 2018 को एनजीटी में भी याचिका दायर की गई थी और 5 अगस्त को एनजीटी सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। नोएडा प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ ये जुर्माना लगाया गया था। तो 1 नवंबर 2018 को एनजीटी में भी याचिका दायर की गई थी और 5 अगस्त को एनजीटी ने सुनवाई करते हुए यहां जुर्माना लगाया था। तो नोएडा प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ जुर्माना लगाया गया था। तो नोएडा प्राधिकरण की याचिका खारिज हुई है और 100 करोड़ रुपए देने होंगे। सिंचाई नाले की सफाई नहीं होने पर एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया है। यमुना तक जाने वाले 21 किलोमीटर लंबी सिंचाई नाले का यह मामला है और एनजीटी की तरफ से कहा गया कि इस नाले की वजह से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड पर भी 50 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और निशांत शर्मा नोएडा से हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, नोएडा प्राधिकरण को बड़ा झटका, 100 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा। हाँ देखिए, एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के द्वारा ये लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से 21 किलोमीटर की जो लंबी एक सिंचाई नाले की सफाई न होने की वजह से नोएडा अथॉरिटी को ये बड़ी एक जुर्माने की कार्रवाई करनी होगी, जुर्माना देना होगा। इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो आदेशों का उल्लंघन किया गया और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और 1 नवंबर 2018 को एनजीटी में याचिका दायर की गई थी। इस मामले में
देखा गया कि जल बोर्ड को भी 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था पूर्व में, और उसके बाद अब 5 अगस्त को एनजीटी सुनवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड पर दोनों के खिलाफ जुर्माना लगाया। तो इसमें कहीं ना कहीं अब 100 करोड़ रुपए का प्राधिकरण को जुर्माना देना होगा, नहीं देने पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो 1 नवंबर 2018 को एनजीटी में याचिका दायर की गई थी, 5 अगस्त को एनजीटी ने सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया था और इसके खिलाफ भी याचिका दी गई थी, लेकिन अब नोएडा प्राधिकरण को ये बड़ा झटका लगा है। और गोरखपुर में हादसा हुआ जहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और राहगीरों के ऊपर ये पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 1 शख्स गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी घटना स्थल पर पहुंचे, एसपी सिटी और सीओ भी मौके पर पहुंचे। रफ्तार का कहर यहां पे देखने को मिला जहां अनियंत्रित कार राहगीरों पे पलट गई और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 शख्स घायल हुआ जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, हादसे को लेकर क्या अपडेट? देखिए, गोरखनाथ ओवर ब्रिज का ये मामला है जहां पर हादसे में यह घटना घटित हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन हालत उसकी चिंताजनक बनी हुई है। खास तौर से यह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यही नहीं, आपको बता दें कि नशे की हालत में लोग गाड़ियां चला रहे थे और उसके बाद यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराई जहां पर हालत चिंताजनक बनी हुई है। जो चालक था उसकी हालत क्या है? क्या उसे हिरासत में लिया गया? क्या इस बात की पुष्टि हुई कि वो नशे में चला रहा था, रफ्तार बहुत ज्यादा थी और इसीलिए हादसा हुआ? देखिए, चालक को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और उसे बाकी चीज की जानकारी पुलिस एकत्रित कर रही है क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है जिसको लेकर के पुलिस महकमा और पूरा प्रशासनिक अमला तैयारी में लगा है। क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के बगल का मामला है तो कोई कोर कसर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। चालक को फिलहाल गिरफ्त में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हरेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे रफ्तार का कहर देखने को मिला जहाँ 2 लोगों की मौत हुई जबकि 1 शख्स की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आगरा में सत्ताधारी पार्षदों को भी धरने पर बैठना पड़ रहा है जहां पार्षद ने नगर निगम अधिकारियों पर काम ना करने का आरोप लगाया है और पार्षदों को धरने पर बैठा देख साथी पार्षदों ने समझाने की कोशिश की लेकिन पार्षद ने बिना किसी अधिकारी से बात किए ना उठने की बात कही। समस्या ये है कि ये काम जो टेंडर में स्वीकृत किया लग रहा है महोदय ने और उसको स्वीकृत करके टेंडर में लिस्ट में भी निकला, 456 जो टेंडर निकले थे उसकी सूची में मेरा नाम नंबर 402 में टेंडर था और यमुना विहार के नाम से टेंडर था, 8,65,000 था। और आपको पता है क्या व्यवस्था चल रही है इस समय, टेंडर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है? तो 456 टेंडरों में से 455 टेंडर इन्होंने अपलोड करा दिए, मेरा जानबूझ के आरके सिंह जी द्वारा रोका गया। कारण क्या रहेगा अभी तो बताएंगे ना, कारण क्यों रोका है? 456 टेंडर निकले और 455 अपलोड हो गए, मेरा ही नहीं हुआ। और अगली खबर रामपुर से है जहां खेत पर गई महिला को 2 लोगों ने गोली मार दी और गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के ही 2 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगा है। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के एजनखेड़ा गांव की यह घटना है जहां एक महिला पे गोली चला दी गई और गांव के ही 2 लोगों ने महिला को गोली मारी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के एजनखेड़ा गांव का यह मामला। तो खेत पर गई महिला को 2 लोगों ने गोली मारी, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और मथुरा के बेगमपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर आपस में ही भिड़ गए 2 पक्ष जिसमें जमकर ईंट पत्थर चले, लाठी डंडे चले, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
तो मामूली विवाद यहाँ देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। एक लड़का था, उसने बताया था कि मेरी सेटिंग चल रही है उसकी भैया से, तो फिर इसने कई औरों को भी बताया, फिर उसके बाद उसको बताया उसकी कसम को, फिर उसने आके मारपीट किया सर। किस किसने मारपीट किया? पूरा परिवार आ गया था, धर्मेंद्र, क्या क्या नाम प्रकाश, संजय, एक लड़का था। और खबर बागपत से है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है, जहां फुटपाथ पर रह रहे तीन युवकों को ट्रेन ने जो ट्रक था उसने रौंद दिया और ट्रक के कुचलने से तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। उधर हमीरपुर में नमामि गंगे परियोजना को बड़ा झटका लगा है, जहां पहली बाढ़ से हमीरपुर में इंटेकवेल के कई पिलर क्षतिग्रस्त हो गए और बाढ़ में तबाह होने से इन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। पिलर को नुकसान पहुंचा, 2,42,00,000 की लागत से ये इंटेकवेल के पिलर जो हैं उन्हें बनाया गया था। पिलर के क्षतिग्रस्त होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मिलेगा तो अब वो पुल टूटने से और 25 उनने बनाओ करा वो तो इतने माँ उनने और एक साल का पीछे करा दी ना। अब बताओ पानी इतनी जैसे संख्या 15-16 से कम नहीं आप उठे अब सब पानी गिर तो मालिन तेरा मचे थी हुई मौके में और ने अपन उल्टा पुलटी करके पुल ऐसे बना दिया, पुल तनक सी बाढ़ में पुल टूट के चला गया। क्या समस्या आपके गाँव में? अरे यही है, जो वाटर प्लांट आया था बाढ़ के चपेट में टूट के बह गया और जो सरकार ने दिया था सुविधा, हम लोग हैंडपैपों में कुओं में जाते थे पानी नहीं करता था, बुंदेलखंड जानते हैं उसे सूखा गए ये क्षेत्र है, सरकार ने दिया था हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी एक साल बाद पानी पीने को मिलेगा। पहले बहुत खराब थी, सूखा से पीड़ित सड़े ही रहा है ये क्षेत्र, उसके बाद में सरकार ने दिया प्लांट पानी के लिए तो वो भी गड़बड़ हो गया। पहली बार जमुना बढ़ी पहली साल उसी में चली गई कोठी उसी के लिए गई, उसमें पिचिंग बननी चाहिए, बगैर पिचिंग के काम होने का। सर हमारे यहाँ का जो नल है, हमारे यहाँ के नल का पानी पीला पड़ जाता है, जैसे हम पानी रखते हैं पहले तो निकाला तो उतने टाइम तो वाइट वाइट रहा, लेकिन अगर लमसम 15 या 20 मिनट रखा गया पानी, 15-20 मिनट बाद पानी को पीला पड़ जाता है। अगर हम लोग उससे नहाते हैं ना तो साबुन भी नहीं छूटता है, चिपचिपा सा रहता है और कपड़े तो साफ होते ही नहीं। उसके अलावा जैसे हम लोगों का कोई सप्लाई वाला पानी आता है तो वो गड्ढों का पानी आता है, तो गड्ढों का पानी के होने की वजह से आप अभी भी हमारे यहाँ पानी भरा रखा है ड्रामों पर देख लीजिएगा, उस पर कीड़े भी आते हैं, तो हम लोगों को आप ये समझ लीजिए कि कीड़े भी पीना पड़ता है। एक समय ऐसा आया था कि हम लोगों के पानी में सांप भी था, वो तो हमारी मदर इनला को रात में दिखा नहीं, मेरे फादर इनला की नज़र उस पर पड़ी तो उसमें सांप था, या तो हमारी खुद नसीबी कही है कि हम मतलब हमारे लिए अच्छा था कि हम लोगों ने वो पानी पिया नहीं। सरकार ने दिया था ये पावर प्लांट, तो पहले हैंडपम्पों में जाते थे दिक्कत थी, ये आस थी कि ये बन जाएगा तो जल्दी पानी पीने को मिलेगा, बाढ़ के आने पे पुल टूट के बह गया। अब यही पुल को जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और एक साल के लिए पीछे हम लोग चले गए, यही है सरकार से कि अच्छा मजबूत बनाए। सूखी की मार झेल रहे बुंदेलखंड को भाजपा सरकार ने जिले में 2 वाटर प्लांट आवंटित किए। पहला वाटर प्लांट सुमेरपुर ब्लॉक के पतेवरा डांडा पे है, जो कि न्यूज़ वन इंडिया पहले कवरेज में दिखाया था। अब हम पहुंच चुके हैं हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लॉक, जो कि दूसरा वाटर प्लांट है जो हरावलीपुर है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो वाटर प्लांट है, यहाँ पर आई हुई बाढ़ ने किस तरीके से इसको क्षतिग्रस्त कर दिया और जो इसके जो पिलर थे वो बहा करके ले जा चुकी है। आप देख सकते हैं जो वाटर प्लांट का जो एंटी वेल है, इसको देख सकते हैं कि जो ब्रिज बना हुआ है वो पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया और यहाँ पर किसी भी तरीके से लोग ना आ पाए इसके लिए यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट है।
यहाँ मैं बता दूं जो वाटर प्लांट जो बनाए गए हैं जिले में उससे 100 से अधिक लोगों को गांव में पानी पहुँचाने का काम करता था। अब देखने वाली बात ये होती है जो जिला प्रशासन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था अब इसको लेकर के कितनी तेज़ी से मुस्तैद होता। अब देखने वाली ये बात है कि ये जो ब्रिज बना हुआ था जो काम चल रहा था नमामि गंगे परियोजना के तहत वो किस तरीके से अब परियोजना का लाभार्थियों तक कब तक पहुँचेगा। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, न्यूज़ वन इंडिया। और अगली खबर बिजनौर से है जहां तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में काफी दहशत है और तेंदुए से भागकर ग्रामीण ने अपनी जान बचाई। सोशल मीडिया पे तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना कोतवाली देहात के गनोरा इलाके का ये मामला है। तो इस तेंदुए के दिखने के बाद ग्रामीणों में काफी दहशत है। थाना कोतवाली देहात के गनोरा इलाके का यह मामला, तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में काफी दहशत है और यह तेंदुआ कैमरे में भी कैद हुआ। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन वन विभाग अब तक इस तेंदुए को पिंजरे में नहीं कर पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।